या बच्चे के अंदर नए करने की इच्छा पैदा करनी है तो आजादी बहुत जरूरी है, स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, करने की स्वतंत्रता, सोचने की स्वतंत्रता, देखने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निर्णय की स्वतंत्रता। जब हम बच्चे को स्वतंत्रता देंगे तो हम उसकी सृजनशीलता को प्रोत्साहित करेंगे। अभी भी बहुत साथी नहीं जुड़ पाए हैं। तीसरी बात जो मुझे लगता है कि सृजनशीलता के लिए बहुत जरूरी है वह है विश्वास। स्वतंत्रता संवाद के साथ विश्वास, बच्चे की क्षमताओं में हमें विश्वास होना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए या यह नहीं लगना चाहिए कि बच्चे इस काम को नहीं कर सकते हैं। यदि हम बच्चों की क्षमताओं पर विश्वास नहीं करेंगे, शंका करेंगे, तो ऐसी स्थिति सृजनशीलता को हतोत्साहित करती है। और साथ ही हमें उसकी सच्चाई और ईमानदारी पर भी विश्वास करना होगा, क्योंकि अक्सर लोग जब आजादी की बात करते हैं तो उनको ये डर लगता है कि पता नहीं आजादी देने के बाद बच्चा किस गलत फिर से। हाँ, अच्छा सुझाव है दिनेश जी का कि मैं बोलते रहूं, ये चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं तो बाद में साथी देख सकते हैं। तो साथियों, विकास के लिए, उसको बच्चों में प्रोत्साहित करने के लिए तीन जो बातें हैं उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, स्वतंत्रता संवाद और विश्वास। ये ऐसे तीन पिलर हैं, तीन स्तंभ हैं जिन पर का भवन टिका हुआ है। और यह तीनों तत्व जितना एक परिवार के भीतर जरूरी है उतने ही जरूरी हैं ये विद्यालय के अंदर। यदि विद्यालय में भय का वातावरण होता है और बच्चों को करने की आजादी नहीं होती है और उन पर अविश्वास किया जाता है, तो ऐसी जगह बच्चों की सृजनशीलता विकसित नहीं। हाँ, हम उन्हें रट्टू तोता अवश्य बना सकते हैं, वो रट लेंगे, रटी हुई बातों को परीक्षा में लिख लेंगे और परीक्षा में उन बातों को लिखने से उनको अच्छे अंक भी प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए वो सीख तो लेंगे, नहीं सॉरी, वो रट तो लेंगे भी कर लेंगे। और ये सीखना अपने आप में सृजनशीलता है। तो उसके लिए घर या भयमुक्त होना और दोस्त विद्यालय में जितना हम इस वातावरण को सृजित कर पाएंगे नजदीक आएंगे, और बच्चे जितना अधिक नजदीक आएंगे उनसे उतना जीवंत संवाद होगा और जितना उतना अधिक बच्चों के बीच विश्वास बढ़ेगा। और विश्वास केवल शिक्षक का बच्चों पर होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि बच्चे का भी शिक्षक पर, व्यवस्था का भी शिक्षक पर विश्वास होना चाहिए, जिसकी बहुत कमी आज हमें दिखाई देती है। आज शिक्षक को हर जगह कैमरे की नजर में रखने की कोशिश की जा रही है, महत्ता नहीं दी जा रही है, अपने तरीके से काम करने की छूट शिक्षक के पास कम, बहुत सारे काम भी करेगा, पैसा भी कमाने लगेगा, वो व्यवस्था का पुर्जा जरूर बन जाएगा, लेकिन उसके अंदर सृजनशीलता पैदा नहीं होगी, वो कुछ
नया नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षा प्रणाली की वहां से मौलिक चिंतन पैदा होता है, और इसीलिए हम उस तरह के वैज्ञानिक देश को नहीं दे पाए, उस तरह के नई खोजें हमारे देश को नहीं मिल पाई जिस तरह से पाश्चात्य देशों में हम देखते हैं। तो इसका भी बड़ा असर है, एक विवेकशीलता नहीं कर पाए, वैज्ञानिक चेतना नई पीढ़ी में पैदा नहीं हो पाई है। इसलिए जरूरी है उसके लिए कि भयमुक्त वातावरण दिया जाए, बच्चों से जीवंत संवाद स्थापित किया जाए, उन पर विश्वास किया जाए, और जब हम ऐसा तो पाते हैं कि बच्चों के सृजनशीलता पैदा हो रही है। और जहां जहां हम ऐसे स्कूलों के नाम सुनते हैं, ऐसे नए प्रयोग जो शिक्षा के क्षेत्र में हुए हैं, चाहे आपकी वशिली सुकोड़ो मनस्की को लीजिए, नीलबाग का स्कूल देखिए, स्कूल को आप देखिए, और भी जितने आप नए नीलबाग एस नील का समर हिल स्कूलों से जिस तरह की प्रतिभाएं निकल कर आई, वह कहीं न कहीं इन कारणों से ही थी, स्वतंत्रता। मैं शुरुआत में एक परंपरागत शिक्षक था जिसको अपने लाठी डंडे पर बहुत विश्वास था, और मुझे लगता था कि बच्चों को भयग्रस्त हम उनसे कोई करवा सकते हैं। लेकिन ये जरूर है, हमने उनको कुछ सूत्र रटा दिए गणित के, कुछ भाषा के वर्णमाला व्यंजन वाक्य विन्यास करना सिखा दिया, पढ़ी हुई चीज को परीक्षा में लिखना सिखा दिया, लेकिन उनके अंदर हम मौलिक चिंतन नहीं विकसित कर पाए, उनके अंदर विकसित मैंने ये पाया। लेकिन उसको उस दिशा में उस प्रक्रिया में नहीं डाल पाए तो वह केवल मशीन ही बनेगा। तो ये मैंने अपने जीवन में महसूस भी किया, अपने शिक्षण के अनुभवों से सीखा। तो उसके बाद जब मैं बच्चे को समझ पाया, उसके सीखने की प्रक्रिया, जैसे दीवार पत्रिका जैसे जो प्रयोग हैं या पुस्तकालय हैं, पुस्तकालयों का पूरा अभियान इस क्षेत्र में चला है, इसी तरह से समूह शिक्षा के जो प्रयोग किए गए, घर या स्कूल में बच्चों को प्रबंधन में शामिल करने का जो प्रयास हुआ, इनका असर बच्चों के अंदर दिखाई देने लगा। बच्चों के लेखन और पढ़ने की दक्षताओं को बढ़ाने के लिए हमने का एक प्रयोग शुरू किया, लागू किया, बच्चों उसमें भी बात ऐसी नहीं होती है कि जिसको बच्चों में थोपा जाता है, बच्चे स्वयं इस काम से जुड़ते हैं दीवार पत्रिका से, उनका अपना संपादक मंडल होता है, ही लिखते हैं, बच्चे ही संपादन करते हैं, बच्चे ही संपादन करते हैं, बच्चे ही उसको आनंद भी उनको इस काम को करते हुए आ रहा है। तो जिस काम में वो आनंद प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें उनको सृजनशीलता की,
बार बार नेटवर्क की गड़बड़ी के चलते विचारों में भी एक तारतम्य। दीवार पत्रिका बच्चों के द्वारा हस्तलिखित एक पत्रिका है जिसको बच्चे, और यह पत्रिका एक तरह से आप समझ लीजिए कि उसी तरह से है जैसे कोई बाल पत्रिका होती है, बस इसको बच्चे आर्ट पेपर में चिपकाते हैं और दीवार में लटका देते हैं, जिसे हम दीवार पत्रिका कहते हैं। उत्तराखंड देश के विभिन्न भागों में स्कूलों में यह अभियान काफी लोकप्रिय होता जा रहा है, काफी स्कूलों ने इस प्रयोग को शुरू किया है और इसके जो सामने आए हैं, जहां 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 हमने देखा का मजबूत होना किसी भी विषय को सीखने की एक पहली जरूरत होती है। तो दीवार पत्रिका में जब बच्चे खुद लिखते हैं, खुद उसका खुद उसका प्रकाशन करते हैं, प्रबंधन करते हैं, सारी चीजें जुटाते हैं, तो इससे उनके अंदर आता ही है, साथ ही उनके अंदर प्रबंधन का कौशल विकसित हो रहा है। वो कैसे उसकी पूरी व्यवस्था करते हैं, उसके लिए सामग्री जुटाते हैं, संपादन करते हुए अपने साथियों से बातचीत करते हैं, तो इस दौरान भी वो सीखने की एक दोहरी प्रक्रिया है। तो इस गतिविधि से मैंने पाया कि बच्चे हाँ, इधर मनु, राजीव जोशी आदि साथी भी दिखाई दे रहे हैं और साथी हैं दिनेश कर्नाटक जी, राजीव जोशी, चिंतामणि जोशी, बोली, ये तमाम साथी तो दीवार पत्रिका अभियान में बहुत पत्रिका रहे हैं। और अच्छी बात तो ये है कि बच्चे खुद अपने छोटे भाई बहन हैं उनको लिखने के लिए प्रेरित हैं। ग्रीष्मकालीन अवकाशों में या शीतकालीन कार्यशालाएं आयोजित कर रहे हैं लेखन से संबंधित गतिविधियों की, और वहां पर केवल लेखन ही नहीं बल्कि गांव में लोगों से बातचीत कर रहे हैं, एक दो बीच कि बच्चे गांव को वो सुनते हैं, वहां का इतिहास पता करते हैं। कार्यक्रम का संचालन बच्चों के द्वारा किया जाता है कि एक योजना तैयार की जाती है, इस लेखन ही नहीं बल्कि समाज के साथ संबंध जो बारीकियां हैं तरह से दीवार पत्रिका पूरे माध्यम से बच्चे विभिन्न तरह की गतिविधियां आयोजित करते हैं। जैसे हम यदि पिथौरा एक डिग्री कॉलेज में निकलने वाली दीवार पत्रिका से जुड़े हुए आरंभ का जिक्र करें, तो आज पिथौरागढ़ में विभिन्न जिसके नए लोगों को पुस्तकों का परिचय मिलता है वो होते हैं। हर माह किसी एक कवि की जाती है, उनकी समीक्षा की जाती है। स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 6-7 से लेकर 12वीं अपने गांवों में पुस्तकालय स्थापित कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं।
और इसकी शुरुआत खुद गांव में अपने बड़ों से बात करके से संवाद कर रहे हैं, अन्य गांव के जो सामाजिक और इन गतिविधि केंद्रों में गांव के बच्चों के साथ और विशेष दिवसों पर विशेष अवसरों पर बच्चे प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, कभी सुलेख प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, कभी कुछ। तो इस तरह से ये गतिविधियां, ये पुस्तकालय अपने आप में केंद्र बन रहे हैं और मुझे लगता है कि एक पुस्तकालय का खुल जाना तो नहीं होता है, बच्चों को प्रेरित करने के लिए जरूरी है कि उस पुस्तकालय को गतिविधि के केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। पुस्तकालय की स्थापना के लिए तो बच्चे के सामान्य बात नहीं है कि अपने प्रधान जी को वह एक पुस्तकालय खोलने के लिए कन्विंस कर ले रहा है, विधि नहीं है। निश्चित रूप से बच्चे को नया करने की आवश्यकता पड़ती है, एक योजना बनाने की आवश्यकता पड़ती है और जब यह करता है तो वह उसकी चिंतन को विकसित करता है, विकसित करता है। तो हम पाते हैं कि इन गतिविधियों के इर्द गिर्द बच्चों की सृजनशीलता को नए हैं और हमें लगता है कि इन केवल स्कूलों के माध्यम से नहीं बल्कि हमें अपने घरों में भी इस तरह की शुरुआत करनी चाहिए। भी बच्चे के लिए ऐसा कोई अवसर उपलब्ध कराना चाहिए जिसमें वो अपने मौलिक अभिव्यक्ति को वो एक स्थान दे सके। हर घर में एक किताब जहां पर तमाम तरह की किताबें लगी हों, बच्चा अपनी मर्जी से उन किताबों के पास जाए, उनको पलटे, उनके पन्नों को, चित्रों को पढ़े और धीरे धीरे किताबों के साथ वो उनको पढ़ने भी लगे, बच्चा उसमें रुचि ले। और जब बच्चा यह देखेगा या सुनेगा कि अमुक पुस्तक जो है उसमें ये महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं, ये महत्वपूर्ण कहानी है उसमें, यह रोचक कहानी है, तो उसका मन उन किताबों को पढ़ने का अवश्य होगा। और मेरा तो यह अनुभव रहा भी है व्यक्तिगत कि उसको चित्र बनाने के अवसर देना, कहानी सुनाया जाना भी एक महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है बच्चों के अंदर पैदा करने की दिशा दृष्टि से। पहले हमारे घरों में दादा दादी नाना नानी कहानियां सुनाया करते थे और उन कहानियों से एक और तो बच्चे के भीतर एक बड़ा संसार उनको दिखाया जाता था, वो उससे परिचित होते थे, दूसरी ओर उनके अंदर रुचि और जिज्ञासा दुनिया को जानने समझने की पैदा होती थी और वो उस दिशा में सोचता विचारता था और ढूंढता था चीजों को। लेकिन आज वह परंपरा खत्म हो गई है। बल्कि हमें इसे अपने गांव में भी पुनर्जीवित करना पड़ेगा और इस दिशा में हमने अपने मित्रों के साथ मिलकर कुछ प्रयास भी किए। 2 साल पहले हमने गांव की एक यात्रा की, 4-5 गांव को लिया हमने उसके अंतर्गत, लोक कथा चौपाल लगाई। उस यात्रा का नाम हमने लोक कथा यात्रा दिया था। तो उसके तहत गांव में गए, उतने गांव में हमने लोक कथा
चौपाल का आयोजन किया। उस चौपाल को उन्हीं के जहां पर बच्चों के द्वारा पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं, और उस पूरी और हमने उन चौपालों में जाकर खुद लोक कथाएं सुनाई और गांव के बड़े बुजुर्गों को आमंत्रित किया, बोली में लोक कथाएं, और बच्चों को भी साथ में बैठाया ताकि दो पीढ़ी एक दूसरी को हमने इस बात की वह इन कथाओं को